नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। हल्द्वानी में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त बहुगुणा की पुण्यतिथि के अवसर पर सेनानियों, वीर नारियों और उनके उत्तराधिकारियों को आज सम्मानित किया गया। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यभर से आए सेनानी और उनके परिजन उपस्थित रहे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने वीर सेनानियों और उनके आश्रितों को शॉल और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि कुमाऊं का क्षेत्र वीर सेनानियों का गढ़ रहा है, ऐसे में यहां की सड़कों और मुख्य चेहराओं को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम रखने और सेनानियों के गौरव को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने भी प्रशासनिक अधिकारियों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से जुड़े मामलों को गंभीरता से निपटाने की अपील की। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद सिंह बिष्ट ने कहा कि शहीदों और उनके आश्रितों के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा होने में गंभीरता नहीं दिखाई जाती। इस बात से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजनों में भी निराशा है। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम उत्तराधिकारी संगठन के पदाधिकारी समेत गणमान्य जन मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त बहुगुणा जी की पुण्यतिथि है और उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और राज्य भर से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके आश्रित हैं, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो उनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। आपकी कुछ मांगे रहती हैं, जिसमें विशेषकर जिस सक्सेशन सर्टिफिकेट से उनको लेके रहते हैं, कुछ जगहों पे लैंड्स भी हैं जिनके पट्टे गवर्नमेंट ने समय समय पे दिए हैं, उसको लेके दिक्कत रहती है। और एक ये बात भी है कि जो हमारे गवर्नमेंट के पुराने जियोज भी हैं, जिसमें हम अपने चौराहों को, सार्वजनिक मार्गों को हमारे जियो फ्रीडम फाइटर्स उनके नाम पे करते हैं, उनको याद करते हैं ताकि उनकी जो गाथाएँ बच्चों को पता चले आगे, उस पर अमल करने की बात हुई। और भी कुछ डिमांड्स आज यहाँ पर निकलेंगी। हरिदत्त बहुगुणा जी जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी आज पुण्यतिथि में अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को, वीरांगनाओं को, सभी को सम्मानित करने का आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया। और एक भव्य अच्छा कार्यक्रम, और जो कहीं न कहीं हमारे सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को हमें बताता है। 8-8 में 10 दिन में 4-4, 5-5, 6-6 दिन में पानी आ रहा है, और मैं 1-2 महीने से ऐसा अपने आप ही कुछ ऐसा हो गया, मेरे पांव जो है लैंग हो गए। 1 महीने से ऊपर मैं बिस्तरे में ही पड़ा रहा। अब आज बहुगुणा जी का आया, मैंने कहा चलो जैसे भी होता है चलो जाते हैं। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे सहयोगी आबशार बख्श की रिपोर्ट। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।